पहली बार बनेगी ऋतिक रोशन और दीपिका की जोड़ी राम सीता का करेंगे रोल। ऋतिक रोशन आजकल सातवें आसमान पर हैं। उनकी फिल्म सुपर 30 बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई कर रही है। दर्शकों को भी ये फिल्म पसंद आ रही है और वो अभी भी इसे देखने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सुपर 30 के बाद लगता है ऋतिक ने एक चुनौती भरा रोल अपने नाम कर लिया है। खबर है कि ऋतिक रोशन डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में राम का किरदार निभाने वाले हैं। ये माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म नितेश का काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। खबर है कि ऋतिक ने इसमें काम करने के लिए हाँ भी कर दी है। माना जा रहा है कि नितेश तिवारी और रवि उदयवर द्वारा बनाई जा रही ये फिल्म लाइव एक्शन ट्रायलॉजी होगी, जिसे 3D में शूट किया जाएगा। इसके आगे की खबर ये भी है कि इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। साथ ही इसका बजट लगभग 500 करोड़ माना जा रहा है। अल्लू अरविंद, नमित मल्होत्रा और मधु मंतेना इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इससे काफी बड़ी उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। खबर ये भी है कि प्रोड्यूसर मधु मंतेना सीता के किरदार में दीपिका पादुकोण को कास्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये ऋतिक और दीपिका के साथ में पहली फिल्म होगी। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन अभी अपनी सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बताया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल स्टेज पर है। इसके अलावा ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ नजर आएंगे फिल्म वॉर में।